स्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड नहीं शो करेंगे अनसेचुरेशन है उनमें कुछ ऐड हो जाएगा वो सैचुरेटेड बन जाएंगे

questions ya fir back questions उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारे सामने आंसर है बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छे से या फिर कॉन्सेप्ट आता है आंसर नहीं बना पा रहे नहीं लिख पा रहे तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा आज के सेशन में एंड मैं लेकर आ गई हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर द मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो जिसका इंतजार बच्चों को रहता है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे उसका समझेंगे एंड मिलकर आंसर निकालेंगे सो बच्चा विदाउट एनी फर्दर अडू हम चलते हैं आगे जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड आप जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब दूर हो जाएंगी साइड बाई साइड आपका जो ये चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा है ना जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनके को समझोगे आंसर लिखना समझोगे तो तो रिवीजन अपने आप ही हो रही है 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 ना रिवीजन तो अपने आप ही हो रही है, सो एक तीर से दो निशाने राइट right? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द इन टेक्स्ट विदेश ठीक है सबसे पहले आते हैं हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है बेसिकली उसमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है ये आपको दर्शाना है कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में ये आपको दर्शाना है तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन कैसे बॉन्डेड है चलिए देखते हैं अब अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की सो कार्बन का अटोमिक नंबर है सिक्स कॉन्फिगरेशन होगी गए टू कॉमा फोर इसे चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यस उसके बाद ऑक्सीजन अटोमिक नंबर एट कॉन्फिगरेशन टू कॉमा सिक्स इसे टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड एक और ऑक्सीजन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है ना सी ओ टू एक और ऑक्सीजन है अटोमिक नंबर हो गया एट कॉन्फिगरेशन हो गए टू कॉमा सिक्स इसे भी दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप समझ पा रहे हैं कार्बन को चार चाहिए दो एंड दो तो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा होगा चलिए अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये रहा कार्बन विद इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस का तो आप सिक्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दर्शाओगे आप चार इलेक्ट्रॉन्स दर्शाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करोगे ठीक है सो so, कार्बन के ये हो गए चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो ऐसे बना दिए दो ऐसे बना दिए क्यों मैंने ऐसे बनाया है ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा बात करते हैं ऑक्सीजन की दूसरे कलर से मैं बना देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो ये रहा ऑक्सीजन इसके छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक थोड़ा पीछे बनाते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है एक और ऑक्सीजन है मेरे पास छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार पांच छ तो अब यहां पे क्या हो रहा है यहां पे बॉन्डिंग कैसे हो रही है बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है एंड अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है

वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अपट एफ सल्फर तो चलिए सल्फर को बेटा एक बार देखते हैं सल्फर एटॉमिकेशन टू कॉमा एट कॉमा सिक्स ठीक है इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अब मेरे पास आठ एटम्स ऑफ सल्फर है तो आठ सल्फर बना दो चलिए एक दो तीन चार पांच छ सात एंड आठ बन गए आपके आठ सल्फर एटम्स अब मुझे इन आठों सल्फर में क्या करना है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लगाना है कितने है? है. तो चलिए ऐसे क्यों बना रही हूं आपको एक मिनट बाद समझ आ जा जाएगा अब इस सल्फर के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने हैं एक दो तीन चार पाँच छ दो तीन चार पाँच ओके? इसके एक दो तीन चार पाँच छ इस वाले के एक दो तीन चार पाँच छह बात है इसके बेटा एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन, चार, पांच छे। छे, छे मैंने इलेक्ट्रॉन हर आटम पे लगा दिए हैं अब क्या करना है अब मुझे इनका ऑक्टेट पूरा करना है इस सल्फर को पकड़ो इस सल्फर के पास छह खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे दो और चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है सातवां आठवां इलेक्ट्रॉन लेता है यहां से और अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है देखो एक दो तीन चार पांच छ सात एंड आठ सारे सल्फर एटम्स ऐसे ही करते हैं ये सल्फर एटम आपके पास है छह इसके खुद के हो गए एक दो तीन चार पांच छ सातवा ये रहा आठवा ये रहा बना दो सर्कल क्लियर है समझ आ रही है बात सिमिलरली बेटा ये सल्फर छ इसके खुद के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट बना दिया बहुत सिंपल चलिए इसकी बात करते हैं छे खुद के क्लियर है अब आपको समझ आ रहा है कि मैं ऐसे क्यों बना रही थी इसकी बात करते हैं खुद के आठवां क्लियर चलिए छे इसके खुद के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट यस इसके छे इसके खुद के सातवा एंड आठवां इसकी बात करते हैं छेस के खुद के सातवा बन गया बन गया कितनी सुंदर ड्राइंग लग रही है हैं बिल्कुल रंग बिरंगी सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ 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 अ मॉलिक्यूल सल्फर सल्फर व्हिच इज मेड अप एट एटम्स दिस इज योर आंसर हियर इज इट क्लियर टू यू समझ आ रहा है मुश्किल बिल्कुल नहीं लग रहा ना बच्चों को ये एसेट में बड़ा डर लगता है मुश्किल नहीं लगा ना बस यही एम है इस सेशन का राइट के कॉन्सेप्ट को आसान बनाना है राइट चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है बेटा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चुरल फॉर्मूला या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चुरल फार्मूला डिफरेंट है अभी समझाती हूं क्वेश्चन में क्या दे रखा है पेंटेन दे रखा है तो पहले पेंटेन नॉर्मली बना लेते हैं पेंट माने पांच कार्बन आइटम एन का मतलब है कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो चलिए बना लेते हैं एक दो तीन चार पांच सिंगल बॉन्ड सारे एंड देन हाइड्रोजन लगाएंगे बैलेंसी पूरी करने के लिए ठीक है यहाँ हाइड्रोजन है ठीक है एक मैं बना देती हूँ आगे फिर नहीं बनाऊंगी क्योंकि बड़े टाइम लगता है ना हाइड्रोजन बनाने में ठीक है ठीक है? है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सी फाइव एच ट्वेल्व इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पांच कार्बन बारह हाइड्रोजन अब आप इन पांच कार्बन और बारह हाइड्रोजन को और कैसे कर सकते हैं ठीक है बन समझ रहे हैं, मैं क्या कहना हूं? आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूलाइन तो में लगा दिए अब आप इस्व को और किस, कितने तरीकों से अरेज कर सकते हो वही क्या आपको मिलेंगे स्ट्रक्चुरल आइसोम मिलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ही रहना चाहिए आपका स्ट्रक्चर अलग-अलग हो सकता है तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं कि और C5H12 कैसे अरेंज करा जा सकता है अब पहले केस में तो मैंने पांचों कार्बन एटम सीधी लाइन में ले लिए सही बात है अब मैंने क्या करा चलो यार एक दो तीन चार चार कार्बन एटम एक लाइन में ले लेती हूं पांचवें एटम की ब्रांचिंग कर देती हूं भाई ये बिल्कुल भी मत करना कि मैम देखो ये स्ट्रेट लाइन ये ब्रांचिंग ब्रांचिंग नहीं है ये ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही है ये ब्रांचिंग नहीं है तो प्लीज ये गलती मत करना ठीक है तो चलो अब हमने क्या करा ठीक है मैम यहां पे लगा देते हैं फिर है ना मैम ये हो गई ब्रांचिंग ये ब्रांचिंग है बिल्कुल है चार कार्बन आइटम एक लाइन में और एक की आपने ब्रांचिंग कर दी पांच कार्बन तो हो गए अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं अगर हाइड्रोजन बारह होते हैं तो ये क्या बन गया आपका एक आइसोमर बन गया चलो हाइड्रोजन लगाते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये बन गया आपका फिर से सी फाइव एच ट्वेल्व सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक है बिल्कुल सही बात है बहुत बढ़िया नेक्स्ट ट्राई करते हैं मैंने क्या करा ये चार कार्बन एटम एक लाइन में है पांचवे की मैंने ब्रांचिंग कर रखी है मैंने कहा चल ऐसा करते हैं फिर से चार कार्बन एटम्स को एक लाइन में रखते हैं मैंने ब्रांचिंग यहां करी थी अब मैं ब्रांचिंग यहां पे कर देती हूं इतना आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों नॉर्मन आप लोगों को आता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सेकंड पोजीशन है और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सेकंड पोजीशन है इतना हमें पता है कि नहीं तो ये दोनों आपके सेम है प्लीज ऐसा मत करना कि एक इसको बना दे और एक इसको बना दे नहीं ये दोनों आपके सेम है तो ये तो अब नहीं हो सकता अब और क्या करें मैम पांच एक लाइन में लगा दिए थे चार एक लाइन में लगा के ब्रांचिंग कर दी अब तीन लगा दो ठीक है एक दो तीन और ये यहां ये यहां चलो भाई C5 तो हो गया अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बारह है कि नहीं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये भी है आपका C5H12 ये भी क्या है ये भी है आपका C5H12 आप और बना के देखो C5H12 में

नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ यार कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों ऑक्सीजन के कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ रहे ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स बोरोन इट्स कंपाउंड ये क्यों नहीं है चैप्टर का नाम कार्बन ने कार्बन ने क्या कर लिया ऐसा हैं तो क्वेश्चन भी यही कहता है कि ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की विच लीड टू द्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड टू प्रॉपर्टीज बचा पहली हो गई आपकी कैटिनेशन पहली क्या हो गई पहली हो गई आपकी कैटिनेशन वॉट इज कैटिनेशन इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कार्बन ने ना वो डायलॉग बहुत सीरियसली ले लिया कि मैं अपना फेवरेट हूँ कार्बन कहता है कि मैं दूसरे ही कार्बन एटम्स के साथ मिलके लंबी लंबी चेन बना सकता हूं कार्बन 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 लंबी लंबी चेन बना दूंगा ब्रांचिंग कर दूंगा रिंग बना दूंगा डबल बॉन्ड कर दूंगा ट्रिपल बॉन्ड कर दूंगा तो कार्बन दूसरे ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन बना सकता है एनीथिंग यू इमेजिन कार्बन इज लाइक येलो बना दिया मैंने तो इस वजह से यू कैन सी एन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ठीक है ये हो गया तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कार्बनिकार्ज मॉलिक्यूल दिस प्रॉपर्टीनेशन कंपाउंड में ब्रांचिंग हो सकती है आपकी रिंग्स हो सकती है डबल बॉन्ड है बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बीच में मतलब जो इमेजन करो कार्बन लाइक like, <laughs> ये लो बना दिया मैंने इन एडिशन कार्बन आइटम सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स यस ये मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया नॉट इज द सेकंड प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चा आपकी टेट्रा वैलेंसी सेकेंड क्या है सेकेंड है टेट्रा वैलेंसी वॉट इज टेट्रा वैलेंसिंग टेट्रा का मतलब क्या होता है टेट्रा का मतलब है फोर ठीक है वैलेंसी का मतलब वैलेंसी तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है कार्बन की वैलेंसी है फोर कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है फोर यानी कि कार्बन जो है वो चार वैलेंसी रखता है अब इसमें कार्बन क्या कर सकता है कार्बन चार अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ ही जुड़ सकता है तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ गया एक मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ गया मोनोवेलेंट माने मोनो माने वन वैलेंट माने वैलेंसी तो एक ऐसा जिसकी वैलेंसी है वन दो कार्बन दो मोनोवेलेंट हो गए एक और मोनोवेलेंट सारे अलग अलग मोनोवेलेंट मतलब कार्बन इज लाइक like, कार्बन शादी में गया है बुफे उसके सामने ये भी ये भी ये भी सब दे दो ठीक है इन एडिशन टू दैट डबल बॉन्ड भी बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है सो उसकी टेट्रा वैलेंसी है तो वो अपनी उस वैलेंसी को किसी भी तरीके से पूरा कर सकता है राइट डबल बॉन्ड बना लो ट्रिपल बॉन्ड बना लो चारों आसपास कार्बन लगा लो है ना या फिर चारों डिफरेंट डिफरेंट मोनोवेलेंट भी लगा लो कुछ भी कार्बन का मन है ठीक है एंड दैट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड टेट्रा बैलेंसी सिंस कार्बन हैज अ अलेंसी ऑफ फोर इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद फोर अदर आइटम्स ऑफ कार्बन यही मैंने कहा या तो चारों कार्बन के साथ जुड़ सकता है और आइटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स या फिर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के जो आइटम्स हैं उनको अपने आसपास जोड़ सकता है

काहे काहे क्या करा है कार्बन ने ऐसा सो द आंसर इज कैटिनेशन एंड तो इतनी कहानी आपको समझ आया है क्लियर हुआ है बच्चों अभी तक के नहीं हुआ है बड़े बेटा फिर आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन है क्या ये जानना जरूरी है अब साइक्लोपेंटेन नाम से ही पता लग रहा है साइक्लो माने साइकिल साइकिल माने रिंग यानी कि रिंग कंपाउंड की बात हो रही है अब उस रिंग में कितने कार्बन है ये मुझे पेंट देख के पता लग रहा है यानी कि पांच कार्बन एटम्स की रिंग बनानी है तो मैंने पांच कार्बन एटम्स की रिंग जो है कुछ ऐसे बना दी यस अब मेरे को क्या करना है कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है तो आप क्या कर दो यहां पे हाइड्रोजन लगा दो ठीक है दो तो ऑलरेडी पूरी हो रखी है दो हाइड्रोजन लगा दिए हर कार्बन के साथ यस yes. तो ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन अब फॉर्मूला क्या हो गया पांच कार्बन के लिए सी फाइव एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एच टेन सो दिस इज योर साइक्लोपेंटेन दैट इज सी फाइव एच ओके okay, हो सकता है बच्चों को गलत हो मैम पेंटेन पेंटेन तो लिखा ही हुआ है पेंटेन क्या होता है C5H12 पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, में को दर्शानी है, अब नो के पांच कार्बन मेरे पास है तो एक दो तीन चार एंड ओके, एक कार्बन आटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके बना दिए एक दो तीन चार ओके एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन एंड ये हो गए कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बारी आती है हाइड्रोजन बनाने की हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास यस, तो मैंने हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ठीक है बना देंगे हाइड्रोजन ठीक है ये बना दिया बच्चा चलो अब बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन के तो डुप्लेट पूरे हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए ठीक है डन डुप्लेट डुप्लेट डन बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले डन डुप्लेट ओके इतनी कहानी तो क्लियर हो गई अब भाई कार्बन के सर्कल बनाने में इंपॉर्टेंट है ये तो आसान थे अब चलिए भाई कार्बन के लिए बनाएंगे ओके लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर वाइट कलर ले लेती हूँ, कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए चार तो बचा इसके पास खुद हैं 1 2 3 एंड 4 पांचवा यहां से मिला छठा यहां से मिला है ना एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ सातवां दूसरे कार्बन से आठवां दूसरे कार्बन से तो अल्टीमेटली क्या सर्कल बन गया बेटा कुछ ऐसा सा सर्कल बन गया आप इसमें देख पाएंगे कि आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्बन इस कार्बन की बात करते हैं चार इसके पास खुद थे एक दो तीन चार पांच और छह यहां से आ गए सातवां ये रहा आठवां ये रहा तो इसका सर्कल कुछ ऐसा सा बन गया ठीक है चलिए नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो चार इसके इलेक्ट्रॉन्स खुद से हैं एक दो तीन चार पांच एंड छे सातवां ये रहा आठवां ये रहा तो सर्कल हम कैसे बना देंगे सर्कल कुछ ऐसा सा बन जाएगा एक सेकेंड ओहो सॉरी एंड आप इस सर्कल में देख पाएंगे कि आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन ध्यान देना है फोकस रखना है चार इसके इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच एंड छ सात एंड आठ तो बन गया सर्कल हमारा इस सर्कल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दो तीन चार पांच छे सात आठ ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन चार इसके इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं एक दो एंड ठीक है पांच एंड छे सात एंड आठ तो चलो अब आप देख सकते हैं कि इस सर्कल में आठ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एंड दिस इज हाउ यहां पे बॉन्डिंग हो रही है साइक्लोपेंटेन में पर आप कहोगे मैम ये बनाने के लिए तो आपको इतना फोकस करना पड़ रहा था आप इतने ध्यान से बना रहे थे मैम हमारे लिए तो और मुश्किल हो जाएगा कोई आसान तरीका है ना कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए यही तो चाहते हैं हम अपनी लाइफ में कि काम आसान हो जाए बस मुश्किल काम तो नहीं करना चाहते हम तो चलो यार कोई बात नहीं ट्रिक मैं आपको दे देती हूं कैसे बना सकते हैं बेटा आपको क्या करना है आपको सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है जैसे यहाँ पे सी है ठीक है तो सी ऐसा लगता है यस इसके हाइड्रोजन भी बना दो पूरा स्ट्रक्चर फुल अच्छे से बनाएंगे दिस इज योर सी फाइव एच टेन बिल्कुल बेटा सी फाइव एच टेन अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि एक जो बॉन्ड होता है ना उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड एक जो आपको लाइन दिख रही है यानी कि जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है उसमें क्या होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अब आपको जहां जहां बॉन्ड दिख रहा है बॉन्ड हटा के दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दो इससे सिंपल कुछ है ही नहीं देखो यहां मुझे बॉन्ड दिखा मैंने बॉन्ड हटा के दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लगा दिए यहां मुझे बॉन्ड दिखा मैंने बॉन्ड हटाया दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया ध्यान से ठीक है एंड मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया ठीक है दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया ठीक दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए नेक्स्ट यहां से हटाया बेटा ओहो 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 ठीक इसको एक बार अच्छे से कार्बन को ठीक कर देते हैं ठीक यहां से मैंने जो बॉन्ड हटाया उसकी जगह मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए ट्राई टू तो कि बच्चा यहां से मैंने ये बॉन्ड हटाया ये पूरा इरेज होगा बट कोई बात नहीं हम इसे बना देंगे यहां से मैंने बॉन्ड हटाया था दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए यहां से मैंने बॉन्ड हटाया टू इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटाया ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटाया टू इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटाया टू इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये और ये सेम नहीं है क्या कुछ अलग है क्या कुछ अलग है मैम यहाँ तो आप छेछे लगा रहे थे या तो देखो गलत हो गया ये हो गया वो हो गया ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करो एंड इसको एंड इसको एनालाइज करो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है अगर तुम्हारा जवाब है हाँ तो नीचे कमेंट्स में यस मैम लिख देंगे यस लिख देंगे बिल्कुल मैम ये दोनों सेम है एक बार वीडियो को पॉज करो मेरे कहने में एंड ट्राई टू एनालाइज इट तो मैं आपको बेटा एक एडवाइस दूंगी कि पेपर में अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आप ये बनाओ ठीक है ये बनाओ ये देख के आपके टीचर को पता लगेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है बट ये ना होना कि इसमें इतनी गुचड़ मुचड़ कर दे कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा कि पेपर में क्या लिखा है मतलब ये तो समझ आ गया आप्ट क्लियर है बट पेपर में क्या लिखा है भाई ये एक कार्बन है इलेक्ट्रॉन है क्या कीड़े मार रखे हैं ठीक है तो इसीलिए इसको भी बना दो ठीक है ये साफ सुथरा सा बना दो पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए और इसको बनाओ कि देखो मैम मेरे को कॉन्सेप्ट आता है राइट तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं यस ये भी एंड ये भी एंड कमेंट्स में नीचे यस लिख देना अगर समझ आया है ये दोनों की क्या कहानी है राइट क्लियर हो गया है बच्चा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है बहुत आसान है बेटा एच का मतलब है दो कार्बन ठीक है ए एन का मतलब है कि उनमें सिंगल बॉन्ड है और एसिड का मतलब है कि मेरे पास सी ग्रुप है तो चलिए एथ का मतलब दो कार्बन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ए एन से पता लगा ऑयलिक एसिड से पता लगा कि मेरे पास सीओओएच ग्रुप है एंड देन मैंने यहाँ पे सी एच 3 लगा के वैलेंसी पूरी कर दी सी एच 3 सीओओएच इज इथेनोइक एसिड बात करते हैं ब्रोमो पेंटेन की बेटा ब्रोमो पेंटेन ब्रोमो का मतलब है कि ब्रोमीन बी आर ब्र ग्रुप लगा हुआ है पेंट का मतलब कि पांच कार्बन एटम है और एन का मतलब है कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बनाया पांच कार्बन एटम 1 2 नीचे बना देती हूं

ब्यूटेनॉन की जब हम बात कर रहे हैं ब्यूट का मतलब है चार कार्बन एटम ठीक है ये एन का मतलब है कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आपको पता ना जब फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम एन इन और आईन के ई को ओमिट कर देते हैं एन इन और के ई को ओमिट कर देते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आता है तो में ब्यूट का मतलब है कि आपका क्या था चार कार्बन ए एन का मतलब है कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ओन का मतलब है ये वन नहीं है ये ओन है यानी कि फंक्शनल ग्रुप आपका किटोन है ओके तो मैंने चार कार्बन बनाए ठीक है सिंगल बॉन्ड लगा दिया अब मुझे कीटोन ग्रुप लगाना है अब हो सकता है हो सकता है बच्चों को पता भी हो हो सकता है कि बच्चों को ना पता हो और उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि मैम पोजीशन मेंशन नहीं है पोजीशन मेंशन नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन लेके ही चलते हैं जैसे यहां ब्रोमो पेंटेन में पोजीशन मेंशन नहीं थी ब्रोमो की ब्रोमीन की बी की तो हमने फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया अगर मैम ब्यूटेनोल होता ओ एच OH ग्रुप है पोजिशन मेंशन नहीं है तो पहले कार्बन पे ओ एच लगा दो ब्यूटेनोइ एसिड होता पहले कार्बन पे सीओ एच लगा दो तो मैम ब्यूटेनोल में जो किटोन ग्रुप है। क्योंकि पोजीशन मेंशन नहीं है तो आप पहले कार्बन पे लगा दो किटोन ग्रुप बट ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी है बच्चा जो आपका किटोन ग्रुप होता है ना दि, 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 दिस इज टोन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे आपकी कार्बन की चेन यहां पे आपकी कार्बन की चेन तो किटोन कभी भी लास्ट में नहीं होता है ketone के लिए मिनिमम पोजीशन होती है सेकंड कार्बन ध्यान से सुनना ब्यूटेनोल मतलब पहली पोजीशन पे ओ लगा हुआ है ब्यूटेनल मतलब पहली पोजीशन पे सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि पहली पोजिशन पे सीओ एच लगा हुआ है बट But अगर ब्यूटेनोन की बात कर रही हूं किटोन की बात कर रही हूं पोजीशन मेंशन नहीं है पर बाय डिफॉल्ट कीटोन में अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो हम सेकंड पोजीशन लेके चलते हैं फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन नहीं लगता है क्योंकि कीटोन ग्रुप इज दिस जहां पे इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए इस तरफ भी कार्बन चेन होनी चाहिए तो अगर ब्यूटेनोन है पोजिशन मेंशन नहीं है तो किटोन के केस में बाय डिफॉल्ट हम सेकेंड कार्बन लेके चलते हैं तो यहां पर मैं इसको रब कर दूंगी बच्चा एंड डबल बॉन्ड ओ में यहां पर लगा दूंगी बाकी आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोन कुछ बच्चे कहेंगे मैम ऐसे कर दे बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं है ना आप यहां से काउंटिंग करो तब भी ये सेकंड कार्बन है आप यहां से काउंटिंग करो तब भी ये सेकंड कार्बन है यस चलिए बाकी आप यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा बच्चा है ना इसकी कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी चार हो चुकी है एक दो तीन चार तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा ओके चलिए ब्यूटेनोन हो गया बात करते हैं हेग्जेनल की हेग्जेनल की हम बात करेंगे बच्चा तो हेक्स का मतलब है कि कार्बन हो गए ए एन का मतलब है कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड अल का मतलब है कि आपके पास एल्डिहाइड है ठीक है तो कैसे बनेगा ये तीन, चार पाँच कार्बन आपके पास है विद सिंगल बॉन्ड एंड सी एच ओ ग्रुप लगाना है पोजिशन मैं नहीं है तो फर्स्ट पोजिशन पे ही लगेगा तो ये हो गया आपका सी एच ओ तो एक दो तीन चार पांच छ हेक्स हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया एंड अल का मतलब है कि आपके पास कौन सा ग्रुप है आपके पास एल डी हाइड है एंड फर्स्ट पोजिशन पे आपने यहाँ पे एल डी हाइड सी एच ओ लगा दिया बाकी आप हाइड्रोजन लगा देंगे ठीक है बच्चा चलिए आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन अभी मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमो की ब्रोमोपेंटेन क्या है बच्चा ब्रोमोपेंटेन मैंने बनाया तो था कहा गया ब्रोमोपेंटेन ठीक है एक दो तीन चार पांच सी फाइव हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एच इलेवन बी आर दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोपेंटेन दी फाइव एच इलेवन बी आर अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला तो यही रखना है एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो चलिए अगर मैंने एक भी बना लिया तो भाई आंसर तो ऐसी हो गया ना तो चलिए बनाते हैं सी फाइव एच इलेवन बी आर ठीक है एक तो यही है कि पांचों कार्बन आपकी एक लाइन में हो गए एक दो तीन चार पांच और ये रहा आपका बी आर एक तो यही हो गया चलो एक और बनाते हैं एक दो तीन चार पांच और मैंने ब्रोमीन जो है यहाँ पे लगा दिया ये C5 तो हो गया बी आर भी हो गया हाइड्रोजन गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये भी हो गया आपका C5 H11 Br भाई मैंने एक और बना दिया तो आंसर तो आपका यस ही हो गया आंसर तो यस ही हो गया कि यस मैम यस द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमो पेंटेन मैंने आपको एक बना के भी दिखा दिया ठीक है और आप बनाए और आप बिल्कुल बनाए अपनी कॉपी में ठीक है आपके पास फॉर्मूला है सी फाइव एच इलेवन बी आर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है मैंने तो बना दिया मैंने ये नहीं कह रही कि बस यही है और भी है बनाओ तुम तो बिल्कुल बनाओ आंसर मैंने यस आपका कर दिया है कि यस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमो पेंटेन चलिए

बेटा यहां मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरे पास बी आर है सब्सिट्यूएंट है तो इसीलिए सबसे पहले नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट आएगा यस फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ब्रोमो लिख देंगे ओके okay? देन उसके बाद आपके पास दो कार्बन एटम्स हैं उसके लिए आपके पास आ जाएगा एच उनमें सिंगल बॉन्ड है तो पीछे आ जाएगा एन तो यू हैव ब्रोमो इथेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये जो आपको ग्रुप देखने को मिल रहा है ये कौन सा ग्रुप है बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है This is aldehyde. ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है एक कार्बन का एल्डिहाइड एक कार्बन है भाई मैथ होगा ना तो एक कार्बन का एल्डिहाइड आपका क्या बन जाएगा मिथेनल बन जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स में क्या लगाते हैं अल लगाते हैं तो एक कार्बन एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इज मिथेनल दो कार्बन हो जाते तो इथेनल है ना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ देन वी हैव दिस वन यहाँ पे मुझे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है अब मुझे नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि इसे लोएस्ट पोजीशन मिले यहाँ से नहीं कर सकती ना कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि इस ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजिशन मिले तो नंबरिंग कहाँ से होगी इस तरफ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है नंबरिंग हमने कर दी लोएस्ट पोजीशन दे दी सबसे पहले आएगा वर्ड रूट वर्ड रूट में मेरे पास कितने हैं छह कार्बन एटम्स हैं देन आएगा पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड क्या है वन एंड देन पीछे आएगा आइन आइन आएग क्यों आएगा क्योंकि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है राइट right? बट क्योंकि ये फर्स्ट पोजिशन है तो हम इसको डायरेक्टली हेगैन भी लिख सकते हैं है ना अगर ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं यहां यहां यहाँ कहीं होता तो तो पोजीशन बिल्कुल हेक्स टू हेक्स पोजिशन बट क्योंकि ये हेक्स है फर्स है फर्स्ट पोजीशन तो हम उसके लिए डायरेक्टली हेक्साइन भी लिख सकते हैं तो आपके आंसर्स क्या हो गए बेटा ब्रोमो इथेन हो गया मीथेनल हो गया एंड आपका हेक्साइन हो गया क्लियर है समझ आ रहा है बहुत आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉलिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है हमें बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आता है वट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो आप ऑक्सीडेशन बोल देते हैं या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप ऑक्सीडेशन बोल देते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है और भी डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन की बट वी आर डीलिंग विद दिस राइट नाउ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अब कन्वर्जन क्या है इथेनॉल टू एथिनोइक एसिड इथेनॉल क्या है आपका CH3 CH2OH ये किस में कन्वर्ट हो गया एथिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया CH3COOH यस yes, अब ये कन्वर्जन किस रिया? मतलब ये कन्वर्जन कब होता है जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं प्लस हीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज होते हैं आपके यहां पे एल्कलाइन के एम हो गया है ना अल्कलाइन के एम या फिर एसिडिफाइड एसिडिफाइड टू आर टू ओ सेवन ठीक है कह रहा है कि ये कन्वर्जन ऑक्सीडेशन कैसे है तो अब देखते हैं बेटा आप बहुत अच्छे से यहां पे देख पा रहे मैं इसको खोल के लिखती हूं एक बार ये हो गया आपका सी एच थ्री ये हो गया आपका सी ये हाइड्रोजन और ये रहा आपका ओ एच OH. यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओच अब देखिए देखिए स्टूडेंट्स यहां पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है कन्वर्जन के बाद उस कार्बन से हाइड्रोजन चले गए कार्बन पे हाइड्रोजन है कन्वर्जन के बाद उस कार्बन से हाइड्रोजन चले गए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया साथ ही साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो गया सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया सो so, अपने आप ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन गया हाँ कि ना हाँ कि ना क्लियर है कितना आसान था है ना चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ऐसे ही आसान क्वेश्चन के सिलसिले को बढ़ाते हैं मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज देखिए बच्चा जब आप इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं आपके पास प्योर ऑक्सीजन है कंप्लीट कंबशन होता है लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है टेम्परेचर हाई जाता है जो वेल्डिंग के लिए चाहिए जो वेल्डिंग के लिए चाहिए बट अगर आप मिक्सचर लेते हैं इथाइन एंड एयर का अब एयर है प्योर ऑक्सीजन नहीं है एयर है एयर इज फर्दर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो अब आपके पास इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है अब आपका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा इनकम्प्लीट होगा उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी वेल्डिंग के लिए चाहिए ठीक है तो यही यहां पे लिखा हुआ है देखो इफ़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्ंड देन इथाइन बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ब्लू फ्लेम तो अपने आप ही आना है द ऑक्सीजन इथाइन फ्लेम इज एक्सट्रीमली हॉट एंड प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस रही है टेम्परेचर तो हाई जाएगा ही विच इज सुटेबल या फिर यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ मेटल्स मिक्सचर ऑफ इथाइन एन एयर इज नॉट यूज वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ इथर प्रोड्यूस ड्यू टू इनको कहा गया है अब इनसफिशियंट सप्लाई ऑक्सीजन हो गया तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ठीक है इनकम्प्लीट तो कंबशन में क्या प्रोड्यूस होगा सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा विच इज नॉट हॉट इनफ इन मेल्ट मेटल्स फॉर वेल्ड विच इज नॉट हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल्स वेल्डिंग जो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतनी सफिशियंट नहीं है वेल्डिंग के लिए इसलिए इथाइन एंड ऑक्सीजन बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले इथाइन एयर नो बल्ले बल्ले राइट बच्चा क्लियर है कहानी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है कंप्लीट कंबस एंड इनकम्प्लीट कंबन का ठीक है राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड हाउ वुड यू डिस्टिंग एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सलिक एसिड बेटा आपके पास है एल्कोहल एंड कार्बोक्सलिक एसिड हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय डूइंग बाय कार्बोनेट टेस्ट कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बायकार्बोनेट टेस्ट करके आप अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल एंड कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा जब हम बायकार्बोनेट टेस्ट करते हैं सो व्हाट हैपेंस इज जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है है तो वो एसिड ही और आपको पता है कि जब एसिड जो है वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं सो दे प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो जब आपका बाइकार्बोनेट कार्बोनेट टेस्ट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस आपको ब्रिस्क एफर्वस देखने को मिलेगी गैस निकल रही है ऐसे ठीक है फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एंड आप उस गैस को लाइम वाटर से पास कराइए लाइम वाटर मिल्की हो गया कंफर्म भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है बट एल्कोहल के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एल्कोहल एंड बाय सॉरी एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डूइंग बाय कार्बोनेट टेस्ट ठीक है ये पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सॉरी मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं गिविंग ब्रिस्क एफरवेंस ब्रिस्क एफरवसेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेयर एज इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपका क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है होगा लाइम वाटर मिल्की हो रहा है बिल्कुल सॉर्टेड है बट एल्कोहल इथेनॉल के केस में कुछ नहीं होने वाला तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग आपका एसिड है ये आपका एल्कोहल है एक्सपेरिमेंट पूरा दे रखा है दो टेस्ट ट्यूब्स आप ले लीजिए एक हो गई ए एक हो गई बी टेक अबाउट पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सोडियो

ट दे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज प्रोड्यूस विद एफर्सेंस इथेनॉल डॉट रिएक्ट विद एनी एस सो दिस इज द बाई कार्बोनेट टेस्ट एसिड आपको एफर्वसेंस दे रहा है लाइम वॉटर मिल्की कर रहा है एल्कोहॉल नहीं कर रहा है डन है क्लियर है कहानी अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं मजा आ रहा है अगर जवाब है हाँ तो यही भाई दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्टडीज के पढ़ते पढ़ते जब मजा आए ओके चलिए लेट्स मूव ऑन वॉट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बच्चा ये तो हम बिल्कुल चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो जो सामने वाले की मदद कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया जो सामने वाले की मदद कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज करने में सो आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे विच हेल्प टू ऑक्सीडाइज अदर सबस्टेंस ठीक है हेल्प टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस राइट क्लियर है कहानी से वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराए अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले की ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है सामने वाला ऑक्सीडेशन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले में या तो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है या फिर उससे हाइड्रोजन खींच रहा है समझने की कोशिश करो चैप्टर वन में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले की ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है मतलब वो सामने वाले में या तो ऑक्सीजन एड कर रहा है या उससे हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा मैंने यानी कि एजेंट ने क्लियर है कहानी समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चा डन है बहुत ही बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं वड यू बी एबल टू चेक इफ वॉटर इज हार्ड बाई यूजिंग अ डिटर्जेंट सबसे पहले बेटा हार्ड वाटर आपको कौन सा होता है, है ना हार्ड वाटर ये मत कहना मैम आइस हो गया हार्ड वाटर वाटर है हार्ड है आइस हो गया नहीं भाई हार्ड वाटर क्या है आपका ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो आपका हार्ड वाटर कौन सा हो गया जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका हार्ड वाटर होता है ठीक है अगर बच्चा मैं बात करती हूँ सोप की अगर मैं बात करती हूँ सोप की तो जब सोप हार्ड वाटर में जाता है तो क्या होता है बेटा जब सोप हार्ड वाटर में जाता है तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट हैं वो सोप के साथ कंबाइन कर जाते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम स्कम की फॉर्मेशन होती है झाग झूक नहीं बनती है सो so, सोप जब हार्ड वाटर में जाता है तो लैदर नहीं प्रोड्यूस होती झाग कम है नहीं है ठीक है बट अगर मैं सोप को सॉफ्ट वाटर में यूज करूं बेटा तो वहां पे आपको लैदर मिलता है वहां पे लैदर मिलता है हार्ड वाटर में नहीं है सॉफ्ट वाटर में है ओके अब अगर मैं बात करती हूँ डिटर्जेंट की डिटर्जेंट की डिटर्जेंट जो है बेटा वो हार्ड वाटर में भी आपको लैदर दे रहा है और वो आपको सॉफ्ट वाटर में भी लैदर दे रहा है अब क्वेश्चन कहता है कि आपको पता करना है कि जो पानी आपके पास है वो हार्ड है या सॉफ्ट है अगर मेरे पास सोप होगा सोप की मदद से तो मैं बहुत अच्छे से पता कर पाऊंगी मैंने सोप का इस्तेमाल करा अगर लेदर आई तो सॉफ्ट वाटर नहीं आई तो हार्ड वाटर पता लग गया बट डिटर्जेंट तो हार्ड वाटर में भी लेदर दे रहा है सॉफ्ट वाटर में भी लेदर दे रहा है तो डिटर्जेंट्स की मदद से मैं पता नहीं कर सकती कि जो पानी मुझे दे रखा है वो हार्ड है या सॉफ्ट है बिकॉज डिटर्जेंट्स जो है वो लेदर प्रोड्यूस करते हैं चाहे सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो तो देखिए नो वी वुड नॉट बी एबल टू चेक वेदर अ सैंपल ऑफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट बिकॉज अ डिटर्जेंट फॉर्म्स लेदर इजीली इवन इन हार्ड वाटर क्लियर है कहानी बच्चा डन है सोप और हार्ड वाटर के केस में लैदर नहीं है या बहुत कम बिल्कुल ना के बराबर बट सॉफ्ट वाटर में तो अच्छी खासी लैदर है डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी दे रहे हैं लैदर सॉफ्ट वाटर में भी दे रहे हैं तो हाउ विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई क्लियर है कहानी डन है हा कि ना डन है भाई तो बड़ा जाए आगे चलिए

ऐसा क्यों नहीं होता क्यों नहीं होती वो साफ क्यों उसकी मार पिटाई उसको ऐसे ऐसे रगड़ना उसपे ऐसे ऐसे करना है ना वो जो क्या लेते हैं वो जो एक थापी होती है ऐसे ऐसे, ऐसे उसको करना ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे उसको करना वाई इज एजुटेशन नेसेसरी तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम पूरे सोप का पूरा पूरा सब कुछ जान लेते हैं कि सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है मिस फॉर्मेशन कैसे होती है एक्शन क्या है सब जान लेते हैं बिकॉज आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एक ही बार इसको क्लियर कर लेते हैं तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ सोप मॉलिक्यूल की तो सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं ठीक है मेरे पास होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ठीक है मेरे पास होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ठीक है जिसे हम टेल भी बोलते हैं एंड मेरे पास होता है आयनिक पार्ट एंड मेरे पास होता है आयनिक पार्ट जिसे हम हेड भी बोलते हैं ठीक है सो अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू स्ट्रक्चर्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि टेल एंड एन an आयनिक पार्ट या फिर हेड अब और बातें क्या जाननी जरूरी है कि ये जो बच्चा हेड होता है ना इसे पानी से है प्यार ठीक है ये वाटर सोल्यूबल होता है इसे पानी से है प्यार ये वाटर सोल्यूबल है एंड इसीलिए इसे हाइड्रोफिलिक भी कहा जाता है हाइड्रो माने पानी फिलिक माने लविंग, तो दिस वाटर लविंग, ओके? ये हाइड्रोफिलिक हो गया ये, ये हेड वाला पार्ट बात करें अगर हम हाइड्रोकार्बन चेन की इसे पानी से नफरत है भाई दूर कर दो पानी से मेरे को भाई नफरत है डर है पानी से तो इसीलिए हम इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को या फिर टेल को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रो पानी फोबिक माने डर तो दिस इज हाइड्रोफोबिक सो दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड ये जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है वॉटर लविंग है ये वॉटर सोल्यूबल होता है और ये जिसे पानी से नफरत है यार एक चीज से नफरत है किसी से तो प्यार करेगा ना तो ये किस में सोल्यूबल होता है बेटा ये किससे प्यार करता है ऑयल से दिस इज ऑयल सोल्यूबल तो क्या आपको ये दो टर्म्स क्लियर हुई है कि ये हाइड्रोफिलिक है और वॉटर सोल्यूबल है ये हाइड्रोफोबिक है एंड ऑयल सोल्यूबल है यानी कि में है और ये जो टेल वाला पार्ट है उसे एक तो वाटर से नफरत है साथ साथ वो में तुम लोग खाना खा रहे थे बिल्कुल शाही पनीर के साथ तुमने बिल्कुल बाइट ली ऐसे खाई वो ग्रेवी तुम्हारी शर्ट पर गिर गई व्हाइट कलर की फिर तो तुम गए पहले तुम्हारी धुलाई होगी फिर तुम्हारी शर्ट की धुलाई होगी ठीक है तो अब शर्ट गई है धुलने राइट right? अब क्या है बाल्टी में ये पानी है आसपास पास और लेटर सपोज ये वो गंदगी है ऑयल ड्रॉपलेट है ग्रीस वगैरह है ओके okay? अब जब सोप 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 पानी में गया तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा अपने आप को ऐसे ओरिएंट करते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि जो पानी से प्यार करने वाला हेड है वो बाहर की तरफ पानी की तरफ रहता है और जो पानी से नफरत करने वाली टेल है बट ऑयल से प्यार करती है वो अंदर की तरफ रहती है ऑयल ड्रॉपलेट या ग्रीस की तरफ इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझो लेटर सपोज हम सब घूमने गए हैं क्रूज पे ये मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है लेटर सपोज हम बिल्कुल क्रूज पे गए हैं ठीक है अब जिन तो बच्चों को भाई पानी बड़ा अच्छा लगता है ना बड़ा एक्साइटिंग लगता है बड़ा एडवेंचरस लगता है वो तो बिल्कुल क्रूज की रेलिंग पे चढ़े होंगे मैम देखो मैम नीचे मैम मछली तैर रही है मैम देखो सनसेट हो रहा है वाव वाव जस्ट लाइक अ अवाओ है ना वो सारे बिल्कुल रेलिंग पे टंगे होंगे बाहर की तरफ होंगे जिन बच्चों को पानी से डर लगता है वो बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ सेंटर में बैठे होंगे उल्टी आ रही है पानी से दूर रखो पानी से दूर रखो उल्टी आ रही है अंदर की तरफ रहना है सिमिलरली ये जो आपका सोप मॉलिक्यूल है इसमें इसे पानी से नफरत है इसे पानी से प्यार है तो जब सोप मॉलिक्यूल्स पानी में जाते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं बेटा कि ये जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है ये तो बाहर की तरफ रहता है एंड ये जो हाइड्रोफोबिक तेल है वो अंदर की तरफ रहती है ठीक है एक तो हाइड्रोफ सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ रहता है हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ रहती है एंड मोर ओवर वो जो हाइड्रोफोबिक टेल है इट इज ऑल सॉल्युबल ये रही आपकी ऑयल या ग्रीस की गंदगी ठीक है तो ये सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं द हाइड्रोफिलिक हेड इज आउटवर्ड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल इज इनवर्ड्स ठीक है ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनता है ठीक है ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनता है एंड इसे क्या बोला जाता है बेटा इसे बोला जाता है मिसल इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है मिसल एंड इस मिसल के अंदर आपकी ऑयल डर्ट ग्रीस वगैरह ट्रैप हो जाती है इस मिसल के अंदर आपकी ऑयल डर्ट ग्रीस वगैरह ट्रैप हो चुकी है तो इतनी कहानी आपको समझ आए एक को पानी से प्यार है ये प्यारउटवर्ड रहता है पानी की तरफ पानी से इसका इंट्रैक्शन चलता रहता है टेल को पानी से नफरत है तो एक तो वैसे ही अंदर की तरफ रहती है ऑयल सोल्यूबल है तो वैसे ही उसको और शौक चढ़ते भाई अंदर की तरफ ही रहना है ये रही ऑयल की ड्रॉपलेट ड्रॉपलेटें ग्रीस डर्ट गंदगी तो ये मिसल फॉर्मेशन हो गया और इस मिसल में आपकी जो गंदगी है जो ऑयल ग्रीस वगैरह है वो ट्रैप हो चुका है इतनी कहानी समझ आई अब हम अपने क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं अभी तक तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया जो आपको आगे के लिए भी हेल्प करेगा इस सेशन में आगे क्वेश्चंस आएगा डिस्क्राइब द एक्शन एक्सेट्रा वो मैंने कर दिया बट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़े की मार पिटाई क्यों जरूरी है वाई एजुटेशन इज नेसेसरी तो अब देखो यार मिसल फॉर्मेशन वगैरह हो चुका है अब कपड़े की मार पुटाई इसलिए करी जाती है ऐसे 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 ताकि ये जो मिसल है वो कपड़े से अलग हो जाए ये जो मिसल है जिसमें ऑयल डर्ट गंदगी ट्रैप है ये कपड़े से अलग हो जाए हम बार बार शर्ट को ऐसे 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 कर रहे हैं ऐसे 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 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है इस एजिटेशन के दौरान ये जो मिसल है वो अलग हो रहे हैं तो जब आप फाइनली शर्ट को पानी से बाहर निकालते हैं तो शर्ट तो आपकी बिल्कुल साफ हो जाती है और पीछे पानी गंदा हो जाता है राइट तो एजिटेशन इज नेसेसरी ताकि मिसेज आपके हट जाए सेपरेट हो जाए उन मिसल में गंदगी है तो मतलब गंदगी हट जाए सेपरेट हो जाए तो आपका कपड़ा साफ हो गया पीछे का पानी आपका गंदा रह जाता है राइट right? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं एजुटेशन इज नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ बिकॉज द भाई, सोप बिकॉज द सोप मिसल विच इन ट्रैप ऑयली और ग्रीजी पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ डी क्लोथ है सर्फेस पे जो गंदगी थी उसके अराउंड है अब उस मिसल को हटाना है उसके लिए एजुटेशन जरूरी है वेन द वेटेड क्लोथ जब गीले क्लोथ जो होता है इन सोप सोल्यूशन इज एजुटेटेड द मिसल्स कंटेनिंग द ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स गेट रिमूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द डर्टी क्लोथ जब आप उस कपड़े का एजुटेशन करते हैं तो जो मिसल है जिसमें गंदगी ट्रैप हो रखी है वो अलग

कमेंट्स बॉक्स कमेंट बॉक्स में बनाएंगे सोप तो इससे मुझे समझ आ जाएगा कि इंटेक्स तक तो मेरे बच्चों का सब क्लियर हो गया है अब आगे बढ़ा जाए एंड नाउ लेट्स डिस्कस बैक क्वेश्चंस ठीक है बैक क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाए सोप तुम बना दो चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में राइट चलिए इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है इसका आंसर आप लोग करेंगे क्या होगा आंसर फिर इसका इथेन बनाओ पहले आंसर देने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सी टू एच सिक्स ठीक है एच माने दो कार्बन आइटम एन का मतलब है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है बाकी आपके ये रहे हाइड्रोजन ठीक है ये हो गया आपका सी टू एच सिक्स ओके सी टू एच सिक्स एक दो तीन चार पांच छ अब कितने आपको यहां पे बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जो शेयरिंग से बनते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सेवन कोवलेंट बॉन्ड्स

ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेनोन ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक नाउ आंसर दिस क्वेश्चन कुकिंग कुकिंग इफ द द द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन इट दैट आप कर रहे हो बच्चा, और जो भी आप पतीला वगैरह जो भी कुकिंग यूटेंसिल यूज कर रहे हो वो नीचे से काला पड़ रहा है ऐसा क्यों है आंसर करो फूड कंप्लीटली कुक नहीं हो रहा फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली फ्यूल इज वेट फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों बिकॉज जो फ्यूल है दैट इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली हो सकता है कि वो जो जो गैस स्टोव में इनलेट्स हैं वो ब्लॉक हो गए हो या फिर ड्यू टू तो अदर रीजन जो आपका फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है इनकम्प्लीट कंबशन से कालिक यानी इनकम्प्लीट कंबशन से सूट प्रोड्यूस होगी वो जो कालिक है वो यूटेंसिल्स के नीचे जाके चिपक रही है एंड दैट इज वाई द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड वाई बिकॉज फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली क्लियर है बच्चा समझ आ गया है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज सी एच थ्री सी एल थ्री सी में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है हमें आता है बच्चों आप साइड बाय साइड अपनी कॉपी में बनाओ मैं बोर्ड पे बनाती हूँ फिर उसके बाद टैली करना कि क्या आपने सही बनाया था चलिए सी थ्री सी एल है मेरे पास कार्बन अटोमिक नंबर सिक्स थोड़ा इधर से बनाते हैं कार्बन अटोमिक नंबर सिक्स कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा फोर इसे चार इलेक्ट्रॉन चाहिए देन वी हैव एच 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 एक अटोमिक नंबर इनका वन है कॉन्फिग्रेशन वन 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 और इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यस yes, बात करते हैं सीएल की अटोमिक नंबर सेवनटीन कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा सेवन इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो अब क्या हो रहा होगा बच्चों आइए देखते हैं ये रहा कार्बन विद इट्स फोर विद्स इलेक्ट्रॉन टू थ्री एंड फोर ओके बनाते हैं तीन हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये रहा हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन बात करते हैं क्लोरीन की ये रहा क्लोरीन विद इट सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ सात अब चलिए लेट सी हाउ द शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस यहां से इसका डुप्लेट पूरा हो गया इसका डुप्लेट पूरा हो गया इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया क्लोरीन के सात इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे आठवां इसने यहां से शेयर कर लिया इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इस सबके दौरान कार्बन के अपने आप आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड दिस इज हाउ कार्बन को भी स्टेबिलिटी अचीव हो गई है एंड दिस इज हाउ द कोवलेंट बॉन्डिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन सी एच थ्री सी एल ओके देखिए ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है CH3Cl is थ्री सी एल इज क्लोरोमिथेन इट इज मेड अप ऑफ वन कार्बन एटम वन कार्बन एटम थ्री हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन कार्बन है हाइड्रोजन के पास एक है कार्बन के, के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है चौथा वो क्लोरीन के साथ शेयर करता है एंड दिस इज हाउ सी एच थ्री सी एल इज फॉर्म क्लियर है डन है चले फिर आगे ठीक ओके okay. नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट structures फॉर ethanoic एसिड एच propanone एस प्रोपेनोन अब तो मैं आपको ट्रिक भी दे चुकी हूं यस बहुत आसान हो जाएगा अब तो हमारे लिए अब हमें क्या बनाना है सबसे पहले इथेनॉइक एसिड के लिए बनाना है वॉट इज योर इथेनॉइक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अब बहुत आसान हो जाएगा देखिए बच्चा सी एच 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 सी ओ H ठीक है ऐसा होता है ना आपका इथेनोइक एसिड के एच थ्री सी डबल बॉन्ड O ओ OH. ऐसा कुछ होता है मैंने बना दिया चलिए अब आपको पता है बेटा कि कार्बन के पास क्या है कार्बन के पास चार वाले से इलेक्ट्रॉन है मैंने बना दिए एक दो तीन चार इसके भी मैंने चार बना दिए एक दो तीन दो तीन चार मैंने ऐसे क्यों बनाया ये आपको समझ आ जाएगा ठीक है कार्बन के इसके चार बना दिए इसके मैंने चार बना दिए बात करते हैं हाइड्रोजन की हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस साइड पे पे आ जाओ ऑक्सीजन के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक दो तीन चार पाँच एंड छे इसके पास भी छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एक दो तीन चार पाँच छे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो मैंने यहाँ पे बना दिया चलो अब सर्कल बनाएंगे इस कार्बन को आठ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक दो तीन चार पांच छह सात और आठवा यहां से ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया अब इस कार्बन पे आ जाओ एक दो तीन चार चार तो इसके खुद के हैं पांच ये रहा छह ये रहा सात और आठ ये रहे ठीक है तो इस तरीके से ये क्या करता है ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस ऑक्सीजन को देखो छह इसके इलेक्ट्रॉन खुद के दो इसने यहां से शेयर कर लिए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया इस ऑक्सीजन की बात करते हैं छह इसके खुद के एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो पूरा हो गया क्लियर क्लियर है कितना आसान है है कि नहीं चलिए बात करते हैं H2S की लेट्स टॉक अबाउट H2S इथेनोइक एसिड के बाद तो H2S कुछ लग ही नहीं रहा होगा ठीक सल्फर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फिगरेशन 2 8 6 इसे दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाइड्रोजन का वन है, 1 है एटॉमिक नंबर कॉन्फिगरेशन 1 ठीक है चलिए ये रहा सल्फर बच्चा छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं एक दो तीन चार पांच एंड छे ये रहा हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन चलो डुप्लेट पूरा डुप्लेट पूरा ऑक्टेट पूरा एक दो तीन चार पांच छे सॉरी एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ कितना आसान है यार है, है कि नहीं नेक्स्ट किसका बनाना है प्रोपेनॉन का बनाना है नेक्स्ट है प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन क्या होता है सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच क्या है आपका प्रोपेनॉन सी एच डबल बॉन्ड ओ सी प्रोप माने तीन कार्बन एटम ए एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है और ओन का मतलब है कीटोन है चलो अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे कार्बन तीन हाइड्रोजन ये रहे फिर कार्बन ऑक्सीजन ये रहा फिर कार्बन तीन हाइड्रोजन ये रहे अब तो आपको आसान लग रहा होगा बनाना चलिए हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एक एक एक। हाइड्रोजन को एक एक एक। क्लियर है कहानी। कार्बन के चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं एक दो तीन चार इसको भी दे देते हैं एक दो तीन चार अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने ये ऐसे क्यों बनाए हैं लेट्स सी इसको चार दे देते हैं एक दो तीन चार ओके बात आती है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के छह बैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच सर्कल्स लेट्स सी कॉन्सेप्ट एक इसका खुद का एक यहां से शेयरिंग कर ली डुप्लेट पूरा हुआ डुप्लेट पूरा, पूरा हुआ बात करें कार्बन की चार इसके खुद के पांच छे सात और आठवां इसने यहां इस कार्बन से शेयर कर लिया इसका ऑक्टेट पूरा हो गया बारी आती है इस कार्बन की चार इसके खुद के पांच ये रहा ये रहा छह ये सात और आठ ये रहे ठीक है चलिए इस ऑक्सीजन की बात करते हैं छह इसके खुद के दो इसने यहां से शेयरिंग कर ली छह प्लस दो आठ ये भी पूरा हो गया इस कार्बन की बात करते हैं चार इसके खुद के पांच छह सात और आठ ठीक है देखो इस सर्कल में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड लास्टली हाइड्रोजन का डुप्लेट हाइड्रोजन का डुप्लेट हाइड्रोजन का डुप्लेट इस कार्बन में देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हाइड्रोजन का डुप्लेट 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 तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन बहुत आसान है सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए ये ये इस सब को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कोई बच्चा ये पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेगा और सिर्फ इसको देखेगा वो कहेगा ये क्वेश्चन तो पेपर में छोड़ के आऊंगा ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता मैम कितना मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं है एक्सप्लेनेशन देखो इससे आसान नहीं है यार कोई चीज ठीक है चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे को बनाना है F2 का है ना फ्लोरीन है मेरे पास दो दो फ्लोरीन है फ्लोरीन का टॉमिक नंबर नाइन कॉन्फिग्रेशन टू कामा सेवन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सेम टू सेम यहां पे हो जाएगा टू कामा सेवन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अब होगा क्या क्लोरीन विद इट्स सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार पांच छ सात क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छ सात तो अब होगा क्या सात इसके खुद के आठवां इसने यहां से ले लिया सात इसके खुद के आठवां इसने यहां से ले लिया एंड दिस इज एफ टू क्लियर है डन है चले फिर आगे चलिए यार किस चीज का इंतजार है फिर ओके okay. क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल बच्चा होमोलोगस सीरीज क्या होता है अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप

एंड देखो क्लियर हो जाएगा OH, OH, OH. जिसमें जो कंपाउंड है उनके पास सेम फंक्शन ग्रुप है सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है एंड देर बाई सी एच टू कैसे डिफर बाय सी एच टू लेट सी इसको और इसको देखो बेटा यहां पे आपके पास एक कार्बन यहां पे दो कार्बन तो एक कार्बन का डिफरेंस आया यहां पे तीन हाइड्रोजन यहां पे पांच हाइड्रोजन तो ओवरऑल दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आया ये तो सेम ही है तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कितने का डिफरेंस है सी एच टू का डिफरेंस है अगर मैं सी एच थ्री ओ एच में सी एच टू एड कर दू नॉर्मल मैथ्स की तरह करके देखो एक बार इसको है ना समझाने के लिए बता रही हूं ओ OH एच आपका एज इट इज आ गया थ्री और टू बन गया फाइव और ये वन और वन बन गया टू सॉरी ओहो सब ट्रैक हूं मैं एड क्यों कर रही हूं सब ट्रैक करो इसको सिंपली यहां तीन यहां पे दो एक हाइड्रोजन ओहो क्या कर रही हूं मैं क्या गलती कर ओहो सॉरी सॉरी सी एच थ्री ओ एच ठीक है में सी एच टू एड करना था ओके ओ एच टू एज इट इज आ गया ये क्या बन गया बेटा आपका H5 और ये क्या बन गया आपका C2 C2H5OH सी टू एच फाइव ओ एच विच इज दिस तो क्या हो रहा है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है सी एच टू का डिफरेंस एड और सब में थोड़ा सा घूमघी मिलेगा क्या हो गया यहां पे राइट right? अगर आप इसमें सी एच टू एड कर दो आपको ये मिलेगा आप इसमें सी एच टू एड कर दो आपको ये मिलेगा आप इसमें सी एच टू एड कर दो आपको इस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड मिल जाएगा तो होमोलोग क्या है ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है सेम फंक्शनल ग्रुप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो सक्सेसिव कंपाउंड है मतलब नीचे वाले ये नहीं कि इसकी और इसकी बात कर रही हूँ सक्सेसिव मतलब इसके नीचे ये फिर ये फिर ये एंड द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय सी एच टू ग्रुप मैंने इसमें सी एच टू यूनिट एड करी तो मुझे नेक्स्ट मिल गया मैं अब इसमें सी एच टू एड करती हूँ देखो है ना अब गड़बड़ नहीं होगी है इतना नहीं वह इतना नहीं ओ एच एज इट इज आ गया फाइव और टू क्या बन गया सेवन और ये टू प्लस थ्री एच सेवन सो दी एच टू यूनिट क्लियर है बच्चा कहानी समझ आ रहा है एंड एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है They can be represented by general formula. अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहे तो मैं एल्केन की सीरीज ले लेती हूँ मैं एल्केन की सीरीज ले लेती हूँ ठीक है नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं मैं एल्केन की सीरीज ले लेती हूँ एलकेन में क्या है आपके पास आपके पास सी एच फोर है सी टू एच सिक्स है सी थ्री एच एट है, C4H10 है and so on. अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी एच टू देखो ये एक कार्बन ये दो कार्बन तो ये हो गया ये छह और चार दो हो गया यहाँ पे सी एच टू से डिफर कर रहे हैं सी एच फोर में सी एच टू एड करा ये मिला सी टू एच सिक्स में सी एच टू एड करूंगी मुझे ये मिलेगा सी थ्री एच एट में सी एच टू एड करूंगी मुझे ये मिलेगा सो सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय सी एच टू यूनिट क्लियर है इसको मैं एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन लेती हूँ तो ये बनेगा सी वन एच टू इन टू वन प्लस टू विच विल गिव यू सी एच फोर जो कि ये रहा अगर मैं n इज इक्वल टू टू लेती हूँ सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू विच विल गिव मी सी टू एच सिक्स जो कि ये रहा राइट right? तो होमोलोगो सीरीज की कहानी आपको समझ आया है क्लियर है बच्चा डन है बहुत बढ़िया तो क्यों रुके भैया चलते हैं ना आगे ठीक ओके okay. सिंपल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी बुक में बहुत अच्छे से बेटा इथेनॉल को एक्सप्लेन कर रखा है इथेनोइ एसिड को एक्सप्लेन कर रखा है कह रहा है डिफ्रेंशिएट करो Ethanol की प्लेजेंट स्मेल होती है इथेनॉल है भाई प्लेजेंट स्मेल है उसकी ठीक है इथेनॉक एसिड की विनेगर लाइक स्मेल होती है है ना स्मेल ऑफ विनेगर यार विनेगर लाइक क्या विनेगर स्मेल ऑफ विनेगर द बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन क्लियर है बच्चा चलिए इथेनॉल रिएक्ट विद एल्कोलाइन केवेनोफोर टू गिव इथेनॉइक एसिड दिस रिएक्शन दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इथेनॉल क्या है आपके पास एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा एल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सो इथेनॉल एल्कोलाइन केवेनोफोर के साथ रिएक्ट करके इथेनॉइक एसिड दे रहा है बट इथेनॉक एसिड तो ऑलरेडी बन गया अब क्या करेगा वो एल्कोलाइनफोर के साथ है ना तो इसीलिए एसिड डज नॉट रिएक्ट रिएक्ट विद अल्कलाइन इथेनॉल करके बन गया अब क्या करेगा और आगे राइट चलिए नेक्स्ट है आपका इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका वही बाई कार्बोनेट टेस्ट है अल्कोहल नहीं रिएक्ट करते बट जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं देखने को मिलेगा गैस प्रोड्यूस विल टर्न लाइम वाटर मिल्क यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल लनी थे नॉई क्वेश्चन और पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए बच्चा बिल्कुल करिए ये मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने ले आई हूं एक बार देख लो इनको देख लिया बच्चा डन है चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों व्हाई डस मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर मैंने इसे टाइम से समझा दिया था तुम्हें है ना अब तो हम इसको जल्दी-जल्दी समझ लेंगे ल अ मिसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो तो सबसे पहले क्वेश्चन भी कह रहा है कि मिसल फॉर्मेशन

नेक्स्ट पार्ट है विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एस इथेनॉल ऑल्सो ओके अब बात हो रही है बेटा इथेनॉल की बात हो रही है इथेनॉल की अब क्या होता है बेटा ये जो आपका सोप मॉलिक्यूल है ये जो आपका सोप मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो रहा है उसमें ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है ना सबसे पहले देखो मिसल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है मिसल फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे पानी से नफरत है इसे पानी से नफरत है और इसे पानी से प्यार है तो ये पानी में जाके अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेते हैं कि मिसल फॉर्मेशन हो जाता है बट इन केस ऑफ इथेनॉल प्रॉब्लम क्या आ जाती है स्यापा का पड़ जाता है कि ये जो आपकी हाइड्रोफोबिक चेन है ये जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर दिस इज सोल्यूबल इन इथेनॉल ये इथेनॉल में सोल्यूबल है तो जब इथेनॉल में सोल्यूबल हो गई तो मिसल कैसे बनेगा देखो सिंस सोप इज सोल्यूबल इन इथेनॉल सो मिसल फॉर्मेशन डज नॉट अकर क्लियर है कि नहीं है समझ आ रहा है ना क्लियर हो गया बात बेटा समझ आ गया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस बेटा जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स होते हैं दे दे आर एज बिकॉज़ बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाई फ्यूल से हमें क्या चाहिए एनर्जी चाहिए ना तो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं दे दे प्रोड्यूस अ लॉट लॉट ऑफ एनर्जी राइट बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो हम कहते हैं आओ जी फ्यूल की तरह तुम्हारे को हम यूज करेंगे क्लियर है सो व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वायर एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी ओके सिंपल क्वेश्चन था चलते हैं आगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप बच्चा ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं बट कोई बात नहीं फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मैंने क्या बोला था मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ठीक है अब वैसे तो सोप पानी में जाकर क्लेंजिंग एक्शन शो कर रहा था बट जब सोप हार्ड वाटर में जाता है तो क्या होता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है इसको रिएक्शन से समझते हैं मैंने सोप ले लिया सी सेवन एच थर्टी फाइव सी ओ एन एस सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया सपोज मैग्नीशियम का कोई सोल्ट ले लिया एम जी सी एल टू हार्ट वाटर में कैल्शियम uh, में मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है तो ना वॉट विल हैपन कहा तो इस सोप ने शो करना था क्लेंजिंग एक्शन बट ये क्या कर जाता है ऑन दी अदर हैंड इसके साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है सोल्ट के साथ ना वट विल हैपन इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एंड मुझे मिलेगा C17H35COO होल ट्वाइस Mg plus NaCl एंड ये जो बच्चों आपका बना है ना ये जो बना है ना ये होता है आपका स्कम ये क्या है ये है आपका स्कम ये नीचे जाके बैठ जाएगा राइट right, एंड आपका जो क्लींजिंग एक्शन है वो तो गया ही है ना कहा तो तो ये कर रहा था की हो गई है आपने के के साथ साथ देख देख लिया आप के साथ भी देख लो C17, H35, कहां तो इसने क्लेंजिंग एक्शन शो करना था बट हार्ड वाटर में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के बीच में जाके फंस गया ठीक है मैंने सी एस एल टू ले लिया वही होगा बच्चा सिमिलर सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव नीचे बना देती ठीक है 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 ये ये क्या है बच्चा ये आपका स्काम है, स्काम फॉर्मेशन आपने देख लिया कैसे हो रहा है हार्ड में लिखना है। मैंने आपके सामने बोर्ड पे रियक्शन लिख दिए हैं ठीक है बड़े आगे फिर क्लियर हो रही है कहानी वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है चलिए नेक्स्ट हम हाँ, यही है ना ये यह, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है सोप डज नॉट गिव फॉर्म इजिली विद हार्ड वाटर हार्ड वाटर कंटेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉर्स यही मैंने आपको बताया सोप फर्स्ट रिएक्ट विद द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आय टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्स जो कि आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्स ऑफ फैटी फैट्स जो कि क्या है स्कम है डन है तो चलो फिर आगे वॉट वॉट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विध लिटमस पेपर बट सोप इज कैसा नेचर है सोप का एसिडिक या बेसिक नीचे कमेंट्स में लिखेंगे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सोप्स आर बेसिक इन नेचर एंड क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मुझे बताने की जरूरत है कि बेसिक चीजों का लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा क्या हम लर्न रखते हैं ए बी आर एंड बी आर बी आबरा का डाबरा एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू तो आपका सोप इज बेसिक इन नेचर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा So, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं सोप बेसिक है बेसिक है बेसिक है बींग बेसिक अ सोप सोल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू क्लियर है डन है कहानी बहुत बढ़िया चलिए वट इज हाइड्रोजनेशन वॉट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बच्चा हाइड्रोजेनेशन क्या होता है हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को एड करना तो वॉट इज हाइड्रोजनेशन किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में आपने क्या ले लिया बेटा अनसेड कंपाउंड ले लिया उसमें आप एड कर रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट हम कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं निकल ले लो प्लेटिनम ले लो पलेियम ले लो ठीक है सो एडिंग हाइड्रोजन ठीक है, इन एन अनसेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये मुझे क्या देगा ये मुझे एक सैचुरेटेड कंपाउंड देगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं इसे हाइड्रोजनेशन बोला जाता है देखिए क्या लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरटेड हाइड्रोकार्बन एक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आप हाइड्रोजन एड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट तो आपका जो unsaturation है वो गायब हो जाएगा एंड आपको मिलेगा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनचुरटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट यही मैंने आपको बताया इट हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताओ तो बेसिकली हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है लेट सपोज मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है मैंने इसमें हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ये ये तो आपका एज इट इज रहेगा यहां एक हाइड्रोजन आ गया यहां एक हाइड्रोजन आ गया तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पे आ गए एंड इस हाइड्रोजनेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है व्हाट वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाना देखिए क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल क्या कहा वेजिटेबल ऑयल अच्छा लिखा भी हुआ है यहां पे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना बेसिकली प्यारे बच्चों जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं ये आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में आपकी अनसेन होती है ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें क्या होता है इनमें लॉन्ग लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं लॉन्ग अनसे कार्बन की चेन्स होती हैं वेजिटेबल ऑयल्स में फैटी है हैं बेसिकली अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा बॉन्ड गया एच एच एड हो गया एसिड बन गया वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन गया तो देखिए वेजिटेबल ऑयल ग्राउंड नट ऑयल कॉटन सीड ऑयल मस्टर्ड ऑयल आर डबल बॉन्ड्स On hydrogenation, that is addition of hydrogen in the presence of nickel as catalyst, vegetable oil produces वनस्पति घी यानी कि आपको ऑयल से घी मिल गया, ठीक है? चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। Which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? बच्चा, addition reaction कौन show करते हैं? Addition reactions are shown by unsaturated compounds. Unsaturated compounds show करते हैं addition reaction.

सैचुरेटेड है बिल्कुल C3H8 सैचुरेटेड है C3H6 अनसैचुरेटेड है ये क्या हो गया एल्कीन हो गया C2H2 अनसैचुरेटेड है ये आपका एल्काइन हो गया CH4 आपका फिर से सैचुरेटेड है एल्केन है ठीक है तो कौन से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे अनसैचुरेटेड वाले शो करेंगे यानी कि C3H6 C2H2 देखिए द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बंस रियक्शन यही मैंने आपको बताया आउट ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन सी थ्री एच सिक्स एक एल्कीन है सी टू एच टू आपका एल्काइन है, 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 है चलिए फिर आगे बढ़ा जाए Give a test that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. बच saturated और unsaturated hydrocarbons के बीच में distinguish करा जा सकता है by bromine water test। किसकी मदद से ब्रोमीन वाटर टेस्ट करके अब बेसिकली क्या होता है बेटा जो ब्रोमीन वाटर होता है ना इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन ऑब्वियसली इसकी वजह से ये बी आर टू की वजह से रेडिश ब्राउन कलर होता है अब मेरे को सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है सैचुरेटेड के केस में क्या होता है बेटा अस सपोज ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मैंने ब्रोमीन वाटर डाला विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर कुछ नहीं होगा नो चेंज रेडिश ब्राउन कलर इसका पहले था डालने के बाद भी रेडिश ब्राउन कलर ही रहेगा सैचुरेटेड के, के केस में बट मैंने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मैंने ब्रोमीन वाटर डाला अब लेटर सपोज मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है ऐसा सा कुछ है मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर डाला बी टू गया अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है एंड मुझे क्या मिलता है मुझे मिलता है समथिंग लाइक दिस रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर वॉज ड्यू टू दिस बी आर टू बट जब ये ब्रोमिन वॉटर अनसे वो बी आर टू तो नहीं रहा वो तो कुछ और ही बन गया यानी कि रेडिश ब्राउन कलर गायब हो गया हा की ना क्लियर हुई है ये कहानी सो द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर डिसअपियर्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन के केस में द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर डिसपे डी कलराइजेस गायब हो जाता है सिंपल सी बात है सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द ब्रोमीन वॉटर या फिर डिसिपेट द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर या फिर द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर गायब हो जाता है इन केस ऑफ इनकेचुरटेड हाइड्रोकार्बन के केस के के में रेडिश ब्राउन था बाद में भी रेडिश ब्राउन रहेगा बट के केस के में रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स गायब हो जाता है डिसिपेट हो जाता है बिकॉज बिकॉज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ दिस बट जब वो अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन में गया वहां पर कोई नया ही चीज बन गया तो अब ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है राइट right, क्लियर है कहानी तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड केस में कुछ नहीं होगा के, के केस में रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर विल डिस क्लियर है डन है बहुत आसान है कि नहीं है ठीक है अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो कमेंट्स में क्या करेंगे कमेंट्स में एक रेड कलर का ऐसा सा सर्कल बना देंगे है ना इससे मुझे समझ आ जाएगा कि बच्चों को अभी तक क्लियर हो रहा है ओके अब कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है यस आई वॉज राइट लास्ट ही क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सर्व ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुकी हूँ है ना अभी इसी सेशन में ही किसी और क्लास व्लास में नहीं इसी सेशन में तुम्हारे को क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप करा चुकी हूँ ये तुम्हारा सोप का मॉलिक्यूल है ये तुम्हारी हाइड्रोफोबिक टेल है ये हाइड्रोफिलिक हेड है पानी में जा रहे हैं अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं मिसल फॉर्मेशन हो रहा है मिसल के अंदर तुम्हारा जो डर्ट ऑयल ग्रीस ट्रैप हो गया है फिर एजिटेशन कर रहे हैं मिसल अलग हो गया है कपड़ा साफ पीछे का पानी गंदा ये सारी कहानी तुमने क्लेंजिंग एक्शन में लिखनी है बट नो फियर वन वाले क्या रिक्वायर्ड है कितना लिखना है तो देखिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोपो मॉलिक्यूलिस्ट ऑफ टू comprising of the carboxylate ऑफ This is the ionic part. This is the polar end.

क्लियर है बच्चा समझ आया कि नहीं आया एंड विद दिस माई डियर स्टूडेंट्स योर एनसीआर टी सोल्यूशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज डन ठीक है आपका बिल्कुल डन हो चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड द मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसका बच्चों को बहुत डर लगता है बड़ा मुश्किल लगता है नहीं है मुश्किल अब तो आ गया ना सब अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस हो गए अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना ठीक है तो चलिए बच्चा अपने सेशन को खत्म करते हैं विद अ कोट ऑफ द डे कोट है बच्चा There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. बेटा सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है कि कोई आपके कान में आके बता देगा भाई ऐसा नहीं है दर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस बस दो तीन लोगों को पता है बाकियों को पता ही नहीं चलता पूरी जिंदगी सक्सेस का रास्ता इज नॉट के भाई। ऐसा नहीं है सक्सेस का रास्ता तुम्हारे सामने है इट इज इन फ्रंट ऑफ यू क्या तुम में इतना दम है

कंपाउंड्स इज डन आपकी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आर डन एंड आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे सो बच्चा दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड टाटा बाय बाय साइन आर बच्चों